Assalamu alaikum, dear students. How are you? Uh, in last lecture, we were basically discussing about uh, organizational decision making process. Uh, we discussed what are basically different types of organizational buying decision. We discussed that there are basically three types of organizational buying decision there are new tasks, then straight rebuys, then modified rebuys. This discussed that in last lecture.

हमने जब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किया था तो इस वाली स्लाइड के अंदर अगर आप देखें तो uh, जो फोर्थ स्टेप है दैट इज सर्च फॉर द क्वालिफाइड सप्लायर मीन्स सबसे पहले नीड रिक्शन हुआ मीन्स रिक्शन ऑफ नीड देन डेफिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट टाइप नीडेड देन डेवलपमेंट ऑफ डिटेल स्पेसिफिकेशन ऑब्वियसली जब आप ने ये एनालाइज कर लिया कि आपकी प्रॉब्लम कौन से सॉल्यूशंस को रिक्वायर कर रही है देन यू हैव टू सर्च फॉर द क्वालिफाइड सप्लायर्स मींस कौन लोग आपको ये प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं किन से आप ये बाय कर सकते हैं सो सर्च फॉर द क्वालिफाइड सप्लायर इज इंपॉर्टेंट स्टेप इन ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट बाइंग करनी हो तो उसमें फिर भी थोड़ी डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आप बाय करते हैं तो आपको डिफरेंट सप्लायर्स को ऑब्वियसली एनालाइज भी करना पड़ता है चूज भी करना पड़ता है उनका एनालिसिस करना पड़ता है सो एट वेरियस स्टेप्स ऑफ बाइंग प्रोसेस मेंबर्स ऑफ द बाइंग सेंटर इवेल्युएट द बाइंग प्रोसेस एंड द रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट परचेज क्योंकि ऑब्वियसली उनकी ये लॉन्ग टर्म मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट बनना होता है उनकी जो वो वो प्रोडक्ट और सर्विसेज को ज्यादा अरसे तक यूज होना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और उसने आगे फिर फर्दर बिजनेस और मैनुफेक्चरिंग के अंदर यूज होना है और उसने जनरेट करने हैं प्रॉफिट तो इस वजह से जो ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग है उसके तकरीबन डिफरेंट स्टेप्स के अंदर आपको जो है वो ये इवेल्युएशन जो वो नजर आएगी ऑबियसली डिसीजन मेकर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बाय कर रहे हैं या इन्फ्लुंसर्स हैं या डिसीजन मेकरस हैं uh, या गेट कीपर्स हैं जो और जितने लोग भी इन्वॉल्व हैं इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और बाइंग प्रोसेस दे ऑबियसली नीड्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसीजन मेकर्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सप्लायर्स सो उनको ऑबली इस चीज की जरूरत पड़ती है सप्लायर uh, इन और उनकी चॉइस की किन किन लोगों को जो बेसिकली बेसिकलीफ्लुएंसर्स uh, हैं डिसाइडर्स हैं गेट कीपर्स हैं जो हमने लास्ट लेक्चर के यूजर हैं यूजर्स इन्फ्लुएंसर्स गेट कीपर्स और डिसाइडर्स जितने लोग भी डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं उन लोगों को बेसिकली सप्लायर इवेलुएशन करनी पड़ती है सो so, अभी तक जो हमने डिस्कस किया हमने ये कहा कि सप्लायर इवेल्यूशन एंड चॉइस इज इंपॉर्टेंट स्टेप क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये इसके ऊपर आगे फिर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो डिपेंड कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नाउ वी विल डिस्कस सम फैक्टर्स विच विल इंफ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग डिसीजन अब अगर आप देखेंगे तो एक मॉडल हमने डिस्कस किया था मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर और प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के अंदर जिनको हम पहले जो वो डिस्कस कर लेते हैं वो मॉडल था ये वाला वर फैक्टर्स विच वर बेसिकली इफेक्टिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर जो कि इफेक्ट कर रहे थे आपके कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को कौन कौन से फैक्टर्स थे पर्सनल फैक्टर साइकोलॉजिकल फैक्टर सोशल फैक्टर्स ठीक है एंड कल्चरल फैक्टर्स ऑब्वियसली यहां पे हमने सोशल इंफ्लुएंस के अंदर ही कल्चरल को भी सो वर फैक्टर्स ऑफ़ कंज़्यूमर बाइंग प्रोसेस इनको सबसे पहले अगर हम डिस्कस कर लेंगे तो उसको अंडरस्टैंड करना, करना आसान हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग को अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा सो सबसे पहले अगर हम देखें तो आपकी पर्सनल

तो वैसे वैसे आपकी जो वो परचेजेस के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा बाइंग के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा अगर आपकी बाइंग परचेजिंग पार कम है इनकम कम है तो ऑब्वियसली परचेजिंग के ऊपर भी बाइंग के ऊपर भी इफेक्ट आएगा योर एज ऑब्वियसली हैज एन इम्पैक्ट क्योंकि आपकी जैसे जैसे जो वो आप देखेंगे कि हर एज के हिसाब से इसको एज एंड लाइफ साइकिल भी बोल सकते हैं आप सो एज एंड लाइफ साइकिल के तबार से भी किड्स की डिफरेंट प्रेफरेंसिस हैं यूथ की डिफरेंट प्रेफरें ओल्ड एज की डिफरेंट so प्रेफरें से भी जो वो आपकी इफेक्ट होते हैं जेंडर फीमेल्स की डिफरेंट लाइकिंग मेल्स की डिफरेंट लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स हैंचुएशन सिचुएशन आर बेसिकली मूड्स ऑफ दायर या फिर जो वो किसी ओकेजन को आप जो वो सिचुएशन uh, के साथ लिंक कर सकते हैं आर सम पर्सनल फैक्टर्स जो पर्सनली इंडिविजुअली आपके साथ जो वो अटैच होते हैं देन अगर आप बात करें तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ये भी इंडिविजुअल फैक्टर्स ही हैं ये इंडिविजुअल्स के पर्सनल फैक्टर्स ही हैं लेकिन इनको देखते हैं ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन इज पास्ट एक्सपीरियंसेस आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस आपकी साइकी डेवलप करते हैं क्योंकि अगर आपका किसी प्रोडक्ट और सर्विस के साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा है तो इट मींस कि वो आपकी जो वो एक गुड मेमोरी क्रिएट होगी अगर किसी प्रोडक्ट और सर्विस के साथ आपका बैड एक्सपीरियंस रहा है, तो वो आपकी नेगेटिव मेमोरी जो वो क्रिएट होगी सो पास्ट

आप ये देखिएगा कि अगर आप सिर्फ अपने क्लासमेट्स को देखें तो अकॉर्डिंग टू पर्सनैलिटी उनके बाइंग हैबिट्स डिफरेंट होंगी उनकी परचेजिंग हैबिट्स डिफरेंट होंगी उनकी वेयरिंग हैबिट्स डिफरेंट होंगी इवन फूड हैबिट्स डिफरेंट होंगी सो पर्सनैलिटी ऑब्वियसली मैटर करती है टू द परचेज इंटेंशन ऑफ द कस्टमर्स देन एटीट्यूड्स एंड बिलीव एटीट्यूड्स एंड बिलीव आर बेसिकली बिहेवियर येन में रखिएगा कि बिहेवियर के प्रीज में से है एटीच्यूड एंड क्योंकि attitudes, आपकी पर्सनैलिटी ये इसको अगर हैरारकी वाइज अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले परसेप्शन आता है देर वुड बी बिहेवियर दिस वुड बी दरारकी सबसे पहले परसेप्शन होती है आप परसीव करते हैं किसी चीज को कैसे आप देखते हैं उसको अच्छा या बुरा समझते हैंजिकल फैक्टर्स आर इंफ्लुसिंग दिहेवियर्स ऑफ द कस्टमर्स ये हम कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर की बात कर रहे हैं और तीसरे फैक्टर्स हैं आपके सोशल फैक्टर्स ये सोशल इन्फ्लुएंसेस भी ऑब्वियसली बाइंग बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं जैसे आपके कल्चर कल्चर इज बेसिकली योर मॉरल वैल्यूज योर कल्चरल वैल्यूज मींस और ये कल्चर कैसे बनते हैं थ्रू सब कल्चर्स सब कल्चर्स के पार्ट कौन से योर लैंग्वेजेस योर रिलीजेंस क्योंकि एक ही सोसाइटी के अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस डिफरेंट रिलिजन ये जो वो एग्जिस्ट करते हैं और दीज आर बेसिकली पिलर्स ऑफ कल्चर क्योंकि इन सब कल्चर से मिलके अगर आप पाकिस्तान की एग्जांपल लेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स हैं जैसे सिंधी कल्चर है पंजाबी कल्चर है बलूचिस्तान का कल्चर है और फिर एक एक जो वो आ, सोसाइटी के अंदर एक एक स्टेट के अंदर अगर सिर्फ पंजाब के अंदर बात करें तो डिफरेंट कल्चर्स विलेजेस का कल्चर डिफरेंट है सिटीज का कल्चर डिफरेंट है सो so, कल्चर का भी इम्पैक्ट होता है आपके बाइंड के सोशल क्लासेस सोशल क्लासेस आर बेसिकली थ्री मेजर क्लासेस जिसको हम बोलते हैं जी अपर क्लास मिडिल क्लास देन लोअर क्लास अगर हम इसको एक्सप्लेन करें या डिटेल के साथ डिस्क्राइब करें तो वी कैन से There are basically uh, six to seven classes. Which we call upper upper class, upper lower class, then uh, middle upper class, then middle class, then lower upper class and lower lower class. So these are some of the basically uh, social factors which are influencing the behavior of customers as well. Then. Uh, just a second, I have to take a pause um, for a while. Just a second. Okay. So now uh, we will discuss um, some other factors like. Uh, हा अब ये देखिएगा कि वर बेसिकली द फैक्टर्स ऑफ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर जो कि कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को इफेक्ट कर रहे होते हैं अब अगर कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस को अगर आप देखें तो आपका कुछ नॉर्मली इस तरह से बनेगा कि अगर आप इंडिविजुअल हैं मीन्स पर्सनली या हाउस होल्ड परचेज की अगर बात करें तो तब भी आप कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर का प्रोसेस बड़ा सिंपल पहले नीड मींस नीड रिकन जैसे पे ऑर्गेनाइजेशन uh, के अंदर आपने देखा वहां पे भी नीड रिकग्नेशन वाज़ द फर्स्ट स्टेप सो यहां पे भी द फर्स्ट स्टेप इज नीड देन कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स ऑब्वियसली इट डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन सी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं क्योंकि प्रोडक्ट्स की भी डिफरेंट टाइप्स हैं अगर आपने कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंदर अगर आपको याद हो तो चार तरह की प्रोडक्ट्स हमने डिस्कस की थी नंबर वन कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स देन शॉपिंग प्रोडक्ट्स देन देन स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स सो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट जैसे कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स हैं तो उसके लिए ज्यादा कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं करनी पड़ेगी अगर शॉपिंग प्रोडक्ट की बात करें तो कुछ कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी अगर आप स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स uh, की या अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं तो इट रिक्वायर्स ह्यूज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज द सेकंड स्टेप देन इंफॉर्मेशन इवेल्यूएशन मींस यू हैव टू इवेल्युएट एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन कि कौन सी प्रोडक्ट बेटर रहेगी कौन सा सोल्यूशन रहेगा आपकी प्रॉब्लम के रेलिवेंट देन यू हैव टू मेक द डिसीजन एंड After the decision there is a post purchase behavior जिसको हम after purchase behavior या feedback बोलें। So these were basically the factors which are going to be influence the consumer behavior. Now we will discuss some factors which are affecting the organizational buying decision. अब सब सबसे पहले इसमें हैं जी organizational factors. Organizational factors कौन से? तीन तरह के factors हैं। बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक्वालिटीरियान सर्विस क्राइटेरिया और तीन तरह के आपके इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं विच ऑबली इफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग नंबर वन नीड्स ऑफ द बाइंग सेंटर में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो बाय करने जा रही है उसके जो मेंबर्स हैं इसके एम्प्लॉयज हैं या उसके जो हैं रिप्रेजेंटेटिविकलीड्सो uh, in so, सबसे पहले हम देख लेते हैं जी ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स को नंबर वन देर इज इकोनॉमिक क्राइटेरिया अब इकोनॉमिक क्राइटेरिया ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम इन लार्जर परस्पेक्टिव बात करें तो इकोनॉमिक गोल एक ही होता है टू इंक्रीज द प्रॉफिट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन सो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग के अंदर भी यही अप्रोच इकोनॉमिक क्राइटेरिया आपका बेसिकली होगा तो ये कि आप जो भी प्रोडक्ट और सर्विस बाय कर रहे हैं जो भी इक्विपमेंट बाय कर रहे हैं जो भी आप जो वो बाय कर रहे हैं फॉर द ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर एक पार्ट बनना चाहिए, उसकी चाहिए कि की को करेगा, इसकी और इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करेगा इसके अंदर ग्रोथ लेके आएगा सो दैट इज इकोनॉमिक क्राइटेरिया फॉर द ऑर्गेनाइजेशन देन नंबर टू इज क्वालिटी क्राइटेरिया समाइम्स आपको चीपर प्राइस के ऊपर भी प्राइस अवेलेबल होती है लेकिन आपने यहाँ पे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच को यूज करते हुए जिसको हम टी क्यू एम अप्रोच जो वो कहते हैं ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज अ प्योर सब्जेक्ट नाउ इन मैनेजमेंट साइंसिस इसको क्वालिटी के डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर और इसमें ऑब्वियसली क्वालिटी आ जाती है प्राइसिंग आ जाती है और डिफरेंट फैक्टर्स आ जाती है ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच को यूज करते हुए आपने क्वालिटी को असेस करना होता है क्योंकि क्वालिटी इम्प्रूव होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्प्रूव होगी क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल चीपर प्राइस के ऊपर आप प्राइस प्रोडक्ट को एक्वायर कर लेंगे और क्वालिटी में लो है तो ऑब्वियसली फिर वो आपको दूसरी दफा और तीसरी दफा भी परचेज करनी पड़ेगी जिसकी कॉस्ट ज्यादा पड़ जाएगी ऑर्गेनाइजेशन को सो इट सो इट इज रिकमेंडेड कि आप जो वो प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी को भी मेंटेन करते हैं so इस वजह से वो की जाती है, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन नंबर थ्री देर इज इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया दैट इज सर्विस क्राइटेरिया नॉट इज दर्गेनाइजेशन वॉन्ट द सप्लायर्स टू हेल्प दम सॉल्व द प्रॉब्लम क्योंकि अब जो वो टाइम एक बहुत बड़ा रिसोर्स कंसीडर होता है कि आपको जो है वो प्रोडक्ट और सर्विस आपकी दो स्टेप के ऊपर विद इन नो टाइम डिलीवर कर दी जाए सो so, वो जो डिलीवरी सर्विसेज हैं या और डिफरेंट तरह की सर्विसेज आपके लिए जो है वो अब आपकी उसको प्रोसेसिंग को मैन्युफैक्चरिंग को आसान कर देती सो सर्विस क्राइटेरिया भी आप देखते हैं कि इस प्रोडक्ट और सर्विस जो हम बाय कर रहे हैं इसका सर्विस क्राइटेरिया क्या है मींस ड्यूरिंग सेल सर्विस और फिर आफ्टर सेल ड्यूरिंग सेल्स के अंदर आपकी क्रेडिट टर्म्स हो सकती हैं आपकी डिलीवरी सर्विस हो सकती है और आफ्टर सेल सर्विसेज आर बेसिकली आफ्टर परचेजिंग दैट प्रोडक्ट उसकी मेंटेनेंस क्या होगी उसकी जो वो रिपेयरिंग uh, कैसे होगी उसकी लुब्रिकेशन कैसे होगी सो दीज आर सर्विस क्राइटेरिया सो ऑर्गेनाइजेशन जो नीड क्राइटेरिया है या उसकी जो रिकग्निशन है या जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं बेसिकली उसमें तीन मेजर फैक्टर्स हैं नंबर वन इकोनॉमिक क्राइटेरिया देन क्वालिटी क्राइटेरिया देन सर्विस क्राइटेरिया नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंडिविजुअल फैक्टर्स विच आर ऑबियसली इफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग डिसीजन जिसके अंदर तीन चीजें हैं नीड्स ऑफ द बायर सेंटर मेंबर और ये इंडिविजुअल वही है जो बाइंग इजेशन के पर्सनल नीड्स ऑफ द नीड्स मीन यू कैन इंडिविजुअल नीड्स ऑफ बाइंग सेंटर ये जो बाइंग सेंटर मेंबर्स हैं दे विश टू सेटिस्फाई देयर ओन गोल्स एंड एस्पायरेशल्स पर्सन कैन मीट दिज

जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था यूजर्स हो सकते हैं इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हैं, गेट so, उनकी जो पर्सनल गोल्स है, क्या हैं, सेल्फ स्टीम इसमें क्या होगी और रिक्निशन क्या मिलेगी के so, इस तरह से वो उन को आ, वो जो है वो आ, वो भी इफेक्ट करते हैं फैक्टर्स

जिसको हमने पर्सनल रिस्क कहा कि पर्सनली ऑब्वियसली जब आप ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बाय कर रहे हैं तो पर्सनल रिस्क भी मौजूद होती है जिस वजह से आप एडिशनल इंफॉर्मेशन भी रिक्वायर कर रहे देन ऑब्वियसली थर्ड थिंग इज पर्सनल नीड्स जो कि हमने फर्स्ट uh, वन के साथ ही डिस्कस कर लिया नाउ द इम्पोर्टेंट स्टेज इज वेंडर एनालिसिस

इंपॉर्टेंट है नंबर वन प्राइस देन क्वालिटी देन परफॉर्मेंस एंड ऑन टाइम डिलीवरी प्राइस क्वालिटी परफॉर्मेंस एंड ऑन टाइम डिलीवरी आर द फोर थिंग्स मेजर इसके अलावा भी पॉइंट्स हो सकते हैं लेकिन दीज आर द मेजर क्राइटेरिया टू द वेंडर्स क्या आपके जो सप्लायर्स हैं जो आप जिनसे आप प्रोडक्ट बाय करते हैं उनकी प्राइस क्या है क्वालिटी क्या है परफॉर्मेंस क्या है और ऑन टाइम डिलीवरी क्या है मींस के डिलीवरी टाइम जो वो वो कितना है इस so, बेसिस पे आप अपने वेंडर का एनालिसिस कर रहे होते हैं। सो so, आज के लेक्चर के अंदर अभी तक जो हमने डिस्कस uh, किया वो ये था कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं बेसिकली जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन uh, के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं सो so, सबसे पहले हमने सप्लाई रिवेल और चॉइस को डिस्कस किया और इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल की बाइंग है ये इंडिविजुअल बाइंग नहीं है सो वी हैव सम फैक्टर्स दैट आर इन्फ्लुएंसिंग द ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग डिसीजन जिसमें हमने ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स को भी डिस्कस किया विच हैव थ्री फैक्टर्स एज वेल

और हमने इन क्राइटेरिया को अच्छी तरह से डिस्कस किया देन <coughs> हमने वेंडर एनालिसिस को डिस्क्राइब किया और आपने ये देखा कि कैसे कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस जो वो आ, उसके कौन-कौन से फैक्टर्स हैं उसके अंदर पर्सनल फैक्टर्स देन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और फिर सोशल फैक्टर्स ये चीजें हमने डिस्कस की सो so, If we talk about the trends in organizational uh, buying, the in today's changing world, the technology, competition and customer demands are increasing, so are the costs of the raw material. Ga important and technology competition, customer demands, and obviously the costs. रॉ मटीरियल्स आर इंपोर्टेंट क्योंकि उसकी वजह से आपकी आगे मैन्युफेक्चरिंग और वो सारी चीजें जो है वो उसके साथ लिंक होती है ऑर्गेनाइजेशन टू अडोप्ट करेंडी आज की ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग के अंदर दस्ट थिंग इज इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ परचेजिंग एजेंट क्योंकि आज आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है ज्यादा कंप्लेक्स प्रोसेस की वजह से और जो वो मॉडर्न ट्रेड की वजह से अब जो है वो आपको एजेंट्स की जरूरत ज्यादा पड़ती है क्योंकि परचेजिंग एजेंट्स आर बेसिकली परचेजिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन वो आपके लिए परचेसिंग कर रहे होंगे आपके लिए बाइंग कर रहे होंगे सो कंपनीज इंप्रूव द स्टेटस ऑफ द डायरेक्टर्स टू रिफ्लेक्ट इंक्रीजिंग इंपोर्टेंस ऑफ द फंक्शन क्योंकि परचेजिंग एजेंट्स अगर स्पेशलाइज आपने हायर किए होंगे या आपके पास होंगे तो उससे ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस बढ़ेगी देन द सेकेंड थिंग सेंट्रलाइज परचेजिंग अब ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग होती है क्योंकि सेंट्रलाइज परचेसिंग ये होती है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक मल्टानेशनल कॉरपोरेशन है या नेशनल कॉरपोरेशन है तो आपके एक ही जगह पे जहां पे डिसीजन हो रहे होते हैं उसको सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग बोलते हैं so is, जैसे फॉर एग्जाम्पल गोरमे का हेड ऑफिस लाहौर के अंदर है उनके ब्रांचेस गुजरावाला वाला में भी हैं, शेखुपुरा मंडी पॉल दिन और डिफरेंट सिटीज के अंदर लेकिन अगर वो मिल्क परचेज कर रहे हैं लाहौर के अंदर ही एक ही जगह के ऊपर स्वीट्स ठीक है ये इसी तरह से कोई भी प्रोडक्ट जो सेंट्रलाइज्ड अप्रोच के थ्रू मींस मेन हेड ऑफिस जो द मेकिंग करता है उसको सेंट्रलाइज्ड बोलते हैं सो so, आज की ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग के अंदर एक मेजर ट्रेंड सेंट्रलाइज्ड परचेसिंग है कि जो बेसिकली जिसके थ्रू आपकी जो वो परचेसिंग अब सेंट्रलाइज्ड हो गई है फिर इसी तरह से ग्लोबल सोर्सिंग इज इंपॉर्टेंट फिनोमेना फॉर टुडेस परचेसिंग क्योंकि ग्लोबल सोर्सिंग आपको बियॉन्ड द बॉर्डर भी जो वो, uh, वो uh, जो वो लिमिटलेस कर देता है या आपको जो वो आप ये कह सकते हैं कि आपके आपकी बाउंड्रीज रिमूव कर देता है आप ग्लोबली अब सोर्स कर सकते हैं मींस परचेज कर सकते हैं सोर्सिंग का मतलब ये होता है टू फाइंड आउट और टू परचेज सो ग्लोबल सोर्सिंग इज बेसिकली नाउ यू हैव अपॉर्चुनिटीज क्योंकि इंटरनेट की वजह से टेक्नोलॉजी की वजह से और डिफरेंट चीजों की वजह से अब आपका बिजनेस बॉर्डरलेस हो गया सो नो देर इज ग्लोबल विलेज बेसिकली सो ग्लोबल सोर्सिंग आप कर सकते हैं आप एक ही मटीरियल डिफरेंट जगहों से डिफरेंट वेंडर से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। Then, there is outsourcing, कि आप अपनी बहुत सारी बहुत सारे काम दूसरों से करवा सकते हैं मीन्स दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से बनवा सकते हैं क्योंकि नो अब आपके कनेक्टिविटी के इश्यू नहीं है अब आपको फाइंड आउट करने के इश्यूज नहीं है टेक्नोलॉजी uh, और इंटरनेट ने ये भी काम आसान कर दिया कि अब आपके लिंकेजेस डेवलपमेंट बहुत स्ट्रांग हो गई है सो आउटसोर्सिंग इज एन मॉडर्न ट्रेंड इन ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग नाउ अब जो वो ऐसा हो रहा होता है अगर फॉर एग्जाम्पल आप जो वो कार अगर आप टोटा की एग्जाम्पल लें तो टोटा कार खुद बनाता है लेकिन बैटरीज आउटसोर्स करता है वो साका या एक साइड से जो है वो बाय कर ला होता है सो इस वजह से दैट इज आउटसोर्सिंग नेक्स्ट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट कि अब जब वो ऑब्वियसली सप्लाई चेन भी बड़ी मॉडर्न हो गई हुई है क्योंकि अब आज के ट्रेंड के अगर अंदर आप देखेंगे तो सप्लाई चेन के अंदर अगर आप देखें तो ईसीआर सिस्टम्स मींस एफिशिएंट कंज्यूमर रिस्पॉन्स

जब रिक्वायर्ड है इन्वेंट्री या जब रिक्वायर्ड है कोई मटेरियल तो उसी वक्त आप जो वो ऑर्डर कर लेते हैं so इसे बोलते हैं जस्ट इन टाइम देन मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग जिसको हम एमआरपी बोलते हैं ये भी एक सॉफ्टवेयर है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का सो so एमआरपी के थ्रू भी आप मटेरियल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग कर सकते हैं कि कब कब कितना कितना आपको मटेरियल रिक्वायर्ड है देन ऑटोमेटिक रिप्लेनिशमेंट ये स्टोर्स के अंदर अगर आपने देखा हो तो शेल्फ्स के ऊपर ये ऑटोमेटिक रिप्लेनिशमेंट हो रही होती है कि अगर आपकी शेल्फ के ऊपर जो भी गुड्स हैं वो कम हो रही है या बिक रही हैं तो साथ ही साथ उनको जो वो दोबारा से फुलफिल किया जा रहा होता है उनको मीट किया जा रहा सो so, ये सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए अब डिफरेंट मॉडर्न ट्रेंड्स आ गए जिसको हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट ट्रेंड्स बोलते हैं सो द नेक्स्ट इज इंटरनेट एंड बिजनेस टू बिजनेस सेलिंग नाउ इंटरनेट हैज बेसिकली बेनिफिटेड द ऑर्गेनाइजेशन वेरी वेल जैसे अब अगर आप देखेंगे तो इंटरनेट की वजह से और बिजनेस टू बिजनेस सेलिंग की वजह से बहुत ज्यादा इंपैक्ट आए जैसे एक्स्ट्रानेट एक्सट्रानेट इज बेसिकली टाइप ऑफ इंटरनेट इंटरनेट कि ये विद इन तो कनेक्टेड ही है लेकिन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी कनेक्टेड होते हैं जिसको एक्स्ट्रा नेट जिसको आप बोल सकते हैं सो so, इसके थ्रू आप हेल्प आउट ले सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग के अंदर एक्स्ट्रा एक्स्ट्राट भी हेल्प आउट करते हैं देन सपोर्ट ऑफ द सेल्स पर्सन रादर देन द रिप्लेसमेंट के सेल्स पीपल आप लें उन, उनको उनकी हेल्प ले लें देन देयर इज इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज ईडीआई जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज ये अब बैंकिंग सेक्टर के अंदर अगर आप देखेंगे और डिफरेंट ट्रांजेक्शन के अंदर ये आपको ईडीआई होता हुआ नजर आएगा ये क्या है कि बेसिकली चेंज ऑफ या एक्सचेंज ऑफ़ डेटा इंटरचेंज ऑफ डेटा कि आप जो वो डेटा को इंटरचेंज करते हैं अपने जो वो बायर और सेलर के बीच में इसका अगर आपको मैं डेमो दिखाऊं तो जस्ट अ टाइम आई वांट टू शो द

So, इस वाली चीज को आप बोलते हैं है. अब इज नो पर्सन और सेल्स पीपल इन्वॉल्व अब ईडिया के थ्रू भी आपकी जो वो ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग जो है वो इफेक्ट हो रही होती सो so, हम जो वो वापस आ जाते हैं अपने इस टॉपिक के ऊपर सो okay. so, ये भी एक इंटरनेट और बिजनेस टू बिजनेस सेलिंग भी एक फैक्टर है ऑर्गेनाइजेशनल customer, कस्टमर और सप्लायर रिलेशनशिप ये जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना लॉन्ग टर्म जो है वो आपकी इम्पैक्ट आएगा सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड टूडेक् आज के लेक्चर के अंदर हमने बात की कि विच फैक्टर्स आर बेसिकली इफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग डिसीजन एंड देन ऑब्वियसली इम्पोर्टेंटली देयर आर फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व इन कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस सो फिर हमने कुछ मॉडर्न ट्रेंड्स की बात की दीज आर द ट्रेंड्स इन ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन So, ये इम्पोर्टेंट है अब वक्त के साथ साथ हमें भी चेंज होना पड़ता है और ऑब्वियसली जो वो आपकी बिजनेस ट्रेंड्स भी चेंज हो रहे होते क्वेश्चन अगेन यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स ऑफ लेक्चर नंबर फोर्टीन सो दैट आई कैन आंसर योर क्वेश्चन थैंक यू सो मच